हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मैंने एक ग्राफिक कार्ड ऑर्डर किया है, ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन होने वाला है एंड आज फाइनली मुझे ये मिल चुका था। तो डिलीवरी डेट था कल का बट मुझे मिल गया आज। तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगाया था इसलिए ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी होने की वजह से जो हमारा डिलीवरी बॉय है वही सब कुछ खोल खाल के फ़ोटो वगैरह खींचा, तो बड़ा बॉक्स था तो मैं वहाँ पे फेंक के आ गया एंड जो रियल बॉक्स है उसको लेके आया हूँ। तो बाकी सब तो आपको देखने को मिलेगा ही, आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग इस ग्राफिक कार्ड को लेना चाहते होंगे वो लोग ऑलरेडी इस पर स्टडी करके बैठे हैं। तो मैं फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट में देखना होगा ये DDR5 2GB मेमोरी रैम है इस पर। ये एक तरीके से ये साइलेंट कूलिंग का है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा, कोई फ़ैन वगैरह नहीं है एंड इस पर आप लोग इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। रियल टाइम पे आप इसको थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हो इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ये सॉफ्टवेयर ज़्यादातर ओवरक्लॉक करने में काम आता है एंड ये है विंडोज़ 10 रेडी बोर्ड है। विंडोज़ 10 में डायरेक्ट लगाओ चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं ड्राइवर्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। एंड ये सील तो मैंने पहले ही खोल लिया था। इसका MRP है 7550, ऐसे लिखा हुआ है, छोड़ो यार इग्नोर करो। तो बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है, सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा आपका ये ग्राफिक कार्ड, प्यारा नन्ना मुन्ना सा। इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है तो इसको हम साइड रखते हैं। ग्राफिक कार्ड को साइड में रख दिया एंड अंदर बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है देखते हैं। तो अंदर बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे कुछ क्लैंप्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई छोटा PC है, छोटा मतलब छोटा वो होता है ना मिनी टाइप का, थोड़ा सा ऑफिशियल डेलवेल टाइप का आता है, तो आप वो सब लगा सकते हो। एंड अगर आपको दो पोर्ट लगाना है तो दो पोर्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, तो अपने कैबिनेट के हिसाब से इनको चेंज करके अपने कैबिनेट पे लगा सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको एक थैंक यू का एक लेटर मिलेगा जो आसूस की तरफ से आया हुआ है एंड यहाँ पे कुछ स्पीड सेटअप मतलब किस तरीके से इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, शायद से इसमें थोड़ा बहुत गाइड होगा एंड थोड़ा बहुत इसका इन्फॉर्मेशन भी होगा। तो इसको हम बाद में देखते हैं, एक किसी दिन आराम से दिखाएंगे आपको। इसको नहीं पढ़ने से भी होगा, मेरा वीडियो देख लो वो भी आपके लिए बहुत होगा। तो आजकल इनके साथ CDs वगैरह नहीं मिलता, पहले CD वगैरह मिलता था बट आजकल नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं, इस डब्बे को हम साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था ना ग्राफिक्स ओपन बॉक्स डिलीवरी था, तो पहले हम लोगों ने खोल के देखा था, मतलब हमारा जो डिलीवरी बॉय था उनने खोल के देखा एंड कुछ फ़ोटोज़ भी लिए थे। चलो अच्छा ही है, कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं आया देखने के लिए। सो ग्राफिक कार्ड कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एकदम ब्रांड न्यू ग्राफिक कार्ड है आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए फिक्सिंग वगैरह एंड यहाँ पे ये लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। चलो बहुत बढ़िया है, अभी हम क्या करते हैं इसको साइड कर देते हैं एंड यहाँ पे इस बॉक्स को पैकिंग करके इसको हम थोड़ा सा साइड फेंक देंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे को बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। सो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे रेडी है लगने के लिए। तो आपको कोई स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरा जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट आपने पहले भी देखा होगा, इसमें SSD हार्ड डिस्क को जैसे ही उल्टा पुल्टा करके फेंक के रखा है मैंने, ठीक तरीके से नहीं लगा हुआ है, तो इसको इग्नोर करना। सबका यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाने का तरीका अलग होता है, तो मेरा भी अलग है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे इस स्क्रू को हमको खोलना पड़ेगा। तो ये कुछ होते हैं किसी किसी के में, ज़्यादातर नहीं होते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पार्ट है ना रबड़ वाला, आपको देखने को मिल रहा होगा जो रबड़ वाला पार्ट है ना, इसको हमें खोल लेना है, एक बार चेक कर लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। एंड मैं सेकेंड हैंड भी मंगा सकता था बट सेकेंड हैंड मंगाने से अच्छा तो फर्स्ट हैंड लेना ही ठीक है, क्योंकि सेकेंड हैंड ज़्यादातर लोग भरोसा भी नहीं करते, ज़्यादातर स्कैम भी हो जाता है। तो आपको देखिए ये मिल जाता है यहाँ पे, मैंने पैसे पहले भी दिखाया था आप लोगों को किस तरीके से लगाना है, तो इतना डिटेल पे वीडियो नहीं बना रहा। तो मैंने यहाँ पे अपना ग्राफिक कार्ड लगा दिया है। केबल मैनेजमेंट की बात तो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस PC में केबल मैनेजमेंट हो नहीं सकता। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने PC में जाते हैं, ड्राइवर्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। सो हमने अपना मॉनिटर ऑन कर लिया है, यहाँ पे हम लोग का ग्राफिक कार्ड लगा है बट उसके ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे, तो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लॉक हो रखे हैं जो हमारे रेजोल्यूशन है एंड यहाँ पे NVIDIA का ग्राफिक दिखा रहा है, कुछ लगा हुआ है NVIDIA का बट कौन सा ग्राफिक कार्ड है इसको नहीं पता। तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए आप लोग को एक ब्राउज़र में जाना है, ये नेट रिक्वायरमेंट है ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं ASUS के वेबसाइट पर जाते हैं, बस ASUS के वेबसाइट पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस NVIDIA
ड्राइवर्स टाइप करना है। एनवीडिया ड्राइवर्स टाइप करते ही आपके सबसे पहले जो ऑफिशियल एनवीडिया ड्राइवर्स यहाँ पे शो हो रहा है इस पे जाना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए जी फोर्स का ऑप्शन मिल चुका है। अभी यहाँ पे आपको अपना 10 सीरीज़ का कार्ड है या 700 सीरीज़ का कार्ड है। हमारा 700 सीरीज़ का कार्ड है, 10 सीरीज़ नहीं है वो। तो ये नोटबुक नहीं है, ये ग्राफिक कार्ड है, मतलब हमारे पीसी के लिए। तो हमें 700 सीरीज़ जो जी फोर्स लिखा है इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जो प्रोडक्ट है इस पर क्लिक करके, ये जो हमारा 730 है ना, इस पर क्लिक करना है। देन हमारा विंडो 10 है, यस ओके, कोई बात नहीं। अब विंडो 11 से विंडो 11, विंडो 8, विंडो विस्ता सब मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विंडो 10 पे क्लिक करके आपको यही वाला जो ड्राइवर है वो डाउनलोड करना है। एक और मिलता है स्टूडियो का, जो एडिटिंग वगैरह करते हैं वो उनके लिए होता है, जो गेमिंग करते हैं उनके लिए गेम रेडी ड्राइवर है। इसको सर्च पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखिए 707 MB का आप लोग को देखने को मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और डाउनलोड मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट मुझे लगेगा, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ बाकी का प्रोसेस। सो यहाँ पे हम लोग का जो ड्राइवर्स है वो डाउनलोड हो चुके हैं। अभी हम लोग का करना है, डाउनलोड पे जाना है। ये हमारे ड्राइवर्स है, इस पे डबल क्लिक करना है। तो आ चुका है, इसको हमें यस करना है। यस करते हमें यहाँ पे ओके करना पड़ेगा। एंड ओके करते यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, इससे हमारा जो ड्राइवर्स है वो एक्सट्रैक्ट हो रहेंगे। एनवीडिया का कुछ इस तरीके से ये होता है, देख लेना। तो इस टाइम पे आपको कंप्यूटर को नहीं ऑफ करना है, नहीं ऑन करना है, नहीं कैंसिल करना है, कुछ छेड़खानी नहीं करना। कीबोर्ड एंड माउस से अपने हाथ को हटा देना जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कंप्लीट हो चुका है, अभी इंस्टॉलेशन देखिए एनवीडिया का ये आ चुका है। एंड ये चेक कर रहा है कंप्लीटली जो भी है। तो आपको हमेशा ये पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि जी फोर्स एक्सपीरियंस जो एक चीज़ है ना, इसके अंदर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है जिससे आप स्क्रीन को बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जब इंस्टॉल हो जाएगा देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो देखिए इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसा शो होगा, तो आपको दोनों को अनटिक करके फिनिश कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करना है, तो कुछ ऐसा शो होगा। एनवीडिया जी फोर एक्सपीरियंस पे जाना है, यह आपका जी फोर्स एक्सपीरियंस ओपन करेगा। आपको जीमेल आईडी या किसी से भी लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मिलता हूँ, किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, FPS कैसा मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैंने, ये जो HDMI केबल या जो भी आप केबल यहाँ पे अपना लगाने वाले हो, यहाँ पे आपको VGA पोर्ट भी मिल जाता है, DVI पोर्ट भी मिल जाता है, HDMI पोर्ट भी मिल जाता है। जो HDMI पोर्ट मेरे मदरबोर्ड पे लगा था उसको निकाल के आपको अपने ग्राफिक कार्ड पे लगाना है, तभी ग्राफिक कार्ड काम। कुछ लोग नहीं लगाते हैं एंड फिर बोलते हैं हमारा ग्राफिक कार्ड बेकार है। देख लेना जरूर कि आपका जो मॉनिटर पे जो केबल लगेगा ना, वो आपका ग्राफिक कार्ड से जाना चाहिए, ना कि आपके मदरबोर्ड से जाना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखना।
Sense, God give a rock.